हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स एमसीक्यू का पार्ट सेकेंड, जो कि उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें बॉटनी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बीएससी एग्ज़ाम, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, लेक्चरर एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स। सो लेट स्टार्ट। टॉट सेल्स आर फाउंड इन, टॉट सेल्स हमें देखने को मिलते हैं इन स्फेग्नम। टॉट सेल्स जो हैं वो कॉर्टिकल लेयर में प्रेजेंट होते हैं मॉसिस के, और ये हेल्प करते हैं वाटर को होल्ड करने में जब बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट होती है। एक्वेटिक ब्रायोफाइट, अब हमें इसमें से बताना है कौन सा ब्रायोफाइट है जो एक्वेटिक है। तो इसमें से रिक्सिया फ्लोएटन्स जो है ये एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक ब्रायोफाइट है? आयरिश मॉस, बॉग मॉस, रेंडियर मॉस या क्लब मॉस। तो इसमें से जो बॉग मॉस है ये हमारा ब्रायोफाइट है। इसमें जो आयरिश मॉस है वो एक एल्गी है। बॉग मॉस जिसे हम कह रहे हैं वो ब्रायोफाइट है। किस ब्रायोफाइट का नाम है? स्फेग्नम का नाम है बॉग मॉस। और रेंडियर मॉस जो है वो एक लाइकन है, और क्लब मॉस हमारा टेरिडोफाइट है। नेक्स्ट इज द मेन प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट इन, मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट हमें देखने को मिलती है इन ब्रायोफाइटा। द डेसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, डेसेंस होता है मॉस कैप्सूल में वो किसके रप्चर, किसके टूटने से होता है? दैट इज ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के टूटने से, उसके रप्चर होने से डेसेंस होता है मॉस कैप्सूल में। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, ब्रायोफाइट को एल्गी से कैसे हम अलग कर सकते हैं? बिकॉज दे पोजेस आर्किगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल्स, आउटर स्टेराइल सेल प्रेजेंट होते हैं इसके आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रायोफाइट्स का, तो ये एल्गी से इसको ऐसे सेपरेट करते हैं कि इसके आर्किगोनिया जो है उसमें आउटर स्टेराइल सेल प्रेजेंट होते हैं। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और अदरवाइज ये लैंड पे ग्रो करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गेमिटोफाइट कंटेन्स इंटर सेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे ब्रायोफाइट का नाम हमें इसमें से सेलेक्ट करना है जिसके गेमिटोफाइट के इंटर सेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है, दैट इज एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है इसकी कैविटीज में। Presence of calyptra, operculum, annulus and peristomal teeth are characteristics of the sporophyte of. अब हमें calyptra भी देखने को मिले, operculum, annulus और peristomal teeth, ये सारे की सारी चीज़ किसके sporophyte में देखने को मिलेगी? Funaria. Funaria के sporophyte में हमें ये चारों चीज़ें देखने को मिलती हैं। Venter is a part of, venter जो है किसका पार्ट है ये हमें बताना है इसमें। venter आर्किगोनियम का पार्ट है, venter is a part of आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्यूनेरिया और रिक्सिया का क्या है उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज आर्किगोनिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आर्किगोनियम बोला था, वो सिंगुलर टर्म है, और आर्किगोनिया प्लूरल टर्म है। द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशनड विद डेलिकेट स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड, मॉसेस के कैप्सूल में जो एयर कैविटीज होती हैं उसमें डेलिकेट स्ट्रैंड्स के सेल होते हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रबैक्यूले। इन गेमिटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, गेमिटोफिटिक फेज जो है ब्रायोफाइटा का उसका लास्ट सेल है गैमिट। गेमिटोफिटिक फेज से आप गैमिट को याद रख सकते हैं। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्रा इज फॉर्म बाय, फ्यूनेरिया में कैलिप्रा बनता है फ्रॉम वॉल ऑफ ओल्ड आर्किगोनियम। ओल्ड आर्किगोनियम, पुराना आर्किगोनियम जो है, मेच्योर आर्किगोनियम है, उसकी वॉल से बनता है कैलिप्रा इन फ्यूनेरिया। मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ राइजॉइड्स विद ऑब्लिक यानी तिरछा सेप्टा जो है वो हमें देखने को मिलता है इन फ्यूनेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस स्पीशीज, डायोशियस स्पीशीज जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो है दोनों अलग अलग प्लांट बॉडीज पे हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्सिया हिमालयंसिस। रिक्सिया हिमालयंसिस एक डायोशियस स्पीशीज है। विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉयड, फ्यूनेरिया का हैप्लॉयड पार्ट बताना है, जो कैलिप्रा होता है फ्यूनेरिया में दैट इज हैप्लॉयड,
और बाकी ये जो ऑपर्क्यूलम, कॉल्यूमेला और एनुलस है, ये डिप्लॉयड पार्ट्स होते हैं। एंथ्रोजोइट्स ऑफ रिक्सिया आर, एंथ्रोजोइट्स जो हैं रिक्सिया के, वो होते हैं हम उसके मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को रिक्सिया में बोलते हैं एंथ्रोजोइट्स। एंथ्रोजोइट्स उसके किस टाइप के होते हैं? दे आर बाई फ्लैजलेट, उसमें दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कॉमनली हमें मोस्टली देखने को मिलती है इन रिक्सिया गैमेटोफाइट। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? डॉसोनिया। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फिनेरे, फिनेरे के कैप्सूल में कितने पेरिस्टोम टीथ होते हैं? दैट इज 32, 16 16 के दो अलग अलग ग्रुप्स में टोटल 32 पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं इन कैप्सूल ऑफ फिनेरिया। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट स्टेज कैसी होती है? इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, हमेशा डिप्लॉयड स्टेज होती है ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, पेरिस्टोम टीथ जो है हमें देखने को मिलते हैं इन मॉसेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं इन मार्केंशिया। इन फिनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, फिनेरिया में आर्थोडोंटस टाइप के पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। पेरिस्टोम टीथ क्या है? ये एक वॉल्व की तरह सर्व करते हैं जो स्पोर को कैप्सूल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। इन थैलस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन। ये हमें देखने को मिलता है इन रिक्सिया और मार्केंशिया में, एंथोसिरोस में ऐसा नहीं होता है। करेक्ट कोड क्या होगा हमारा? 1 and 2 ओनली। रिक्सिया और मार्केंशिया में हमें थैलस जो है दो रीजन में डिवाइड होता है, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन। प्रोफेसर एस आर कश्यप वॉज, जो प्रोफेसर एस आर कश्यप है वो ब्रायोलॉजिस्ट थे। द राइजॉइड्स आर एबसेंट इन मेच्योर गैमेटोफाइट ऑफ, मेच्योर गैमेटोफाइट से राइजॉइड एबसेंट होते हैं इन स्फेग्नम, स्फेग्नम के मेच्योर गैमेटोफाइट में राइजॉइड्स एबसेंट होते हैं। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट इन पॉलीट्राइकम कैप्सूल इज, पॉलीट्राइकम का जो कैप्सूल है उसमें नंबर ऑफ पेरिस्टोमल टीथ होते हैं 32। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टोक लीव्स एज एन एंडोफाइट, एंडोफाइट के रूप में नॉस्टक रहता है इन एंथोसिरोस। द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया कंसिस्ट ऑफ, स्पोरोफाइट जो रिक्सिया का है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सूल, उसमें फुट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कैप्सूल जो है उससे बनता है उसका रिक्सिया का स्पोरोफाइट। इन आर्किगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स द सेल अबव द एग सेल इज कॉल्ड, आर्किगोनियम जो है ब्रायोफाइट का उसके एग सेल के ऊपर जो सेल होता है इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल कैनल सेल, उसे वेंट्रल कैनल सेल कहते हैं। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज, स्पोर मदर सेल जो है ब्रायोफाइट्स का इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होता है, टू एंड स्ट्रक्चर है। द कॉल्यूमेला इन पॉलीट्राइकम इज ए, कॉल्यूमेला जो है पॉलीट्राइकम का इट इज ए कंडक्टिव टिश्यू। द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स डैट फॉर्म एम्ब्रियोज आर, सबसे ओल्ड या प्रिमिटिव ग्रुप जो है जिसमें एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं दे आर मॉसेस। पॉलीट्राइकम लीव्स आर अरेंज इन डैश रोज, पॉलीट्राइकम में जो लीव्स हैं वो 3 रोज में अरेंज होती हैं, करेक्ट आंसर इज 3। इलेटर्स इन मार्केंशिया आर, मार्केंशिया के जो इलेटर्स हैं दे आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, डिप्लॉयड होते हैं। और इलेटर्स क्या हैं? ये प्रेजेंट होते हैं मार्केंशिया के कैप्सूल में और हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्शन में। पैराफाइसिस इन पॉलीट्राइकम आर, पॉलीट्राइकम में जो पैराफाइसिस हैं ये क्या होते हैं? स्टेराइल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैराफाइसिस आर स्टेराइल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन पॉलीट्राइकम। कॉल्यूमेला इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ, कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट में, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है।
पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, पायरेनॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं इन एंथोसेरोस थैलस. पेरिस्टोम इज एब्सेंट इन, पेरिस्टोम एब्सेंट होगी इन स्फेग्नम. द नंबर ऑफ टीथ इन द पेरिस्टोम ऑफ फ्यूनेरिया इज, फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम में जो टीथ है दे आर 32. द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा इज ऑब्जर्व्ड इन, प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इन स्फेग्नम. इन मार्केंशिया द नेक ऑफ आर्किगोनियम हैज, मार्केंशिया में जो आर्किगोनियम है उसकी नेक में 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज अ करेक्ट आंसर. एक कैप्सूल ओपनिंग इररेगुलरली इज नोन एज, जो कैप्सूल इररेगुलरली ओपन होते हैं उसे हम बोलते हैं क्लिस्टोकार्पस. द टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शोन बाय ब्रायोफाइट्स इज, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो ब्रायोफाइट शो करते हैं उसे बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो करेक्ट आंसर इज हेट्रोमॉर्फिक. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है हमें एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट में देखने को मिलती है. ब्रायोफाइट्स हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, ब्रायोफाइट्स में नीचे दिए गए 3 कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर नहीं है, वो हमें पहचानना है. मल्टी सेलुलरिटी, मल्टी सेलुलर होते हैं वो. लिग्निफाइड वास्कुलर टिश्यू, वो लिग्निफाइड वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं. यही हमारा सही आंसर है कि ब्रायोफाइट्स में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, लिग्निफाइड वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. स्पेशलाइज सेल्स एंड टिश्यूज ये प्रेजेंट होते हैं. रिड्यूस एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट ये भी प्रेजेंट होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा डज द मैच्योर स्पोरोफाइट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, अब किस टैक्सा में मैच्योर स्पोरोफाइट कम्प्लीटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे फॉर इट्स न्यूट्रिशन. करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइट. विच इज नॉट द मॉस स्पीशीज इन द फॉलोइंग, अब इनमें से ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो मॉस स्पीशीज नहीं है, फ्यूनेरिया, बारब्यूला, पॉलीट्राइकम. करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, इसमें से ऐसी कोई भी स्पीशीज़ नहीं है जो मॉस नहीं है, ये तीनों के तीनों ही मॉस स्पीशीज़ हैं. सो यहाँ पे आपके पूरे 100 MCQs कंप्लीट होते हैं ब्रायोफाइट्स के. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.